बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बाज़ल फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए आई हूँ डिज़ाइनर दुपट्टे की डिज़ाइनिंग। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दुपट्टा लेंगे। अच्छा, ये हम इसको दुपट्टे का पल्लू लेंगे और इसको एक कोने की तरफ से मार्किंग करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारे दुपट्टे का कोना है। 14 इंच की हम मार्किंग करेंगे इस तरफ से भी और कोने के इस तरफ से भी। ठीक है, दोनों तरफ से हम 14 इंच की मार्किंग करेंगे। फिर इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये मार्किंग वाज़ा नहीं हो रही है, पर ये क्योंकि ये लाइट कलर है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक और मार्किंग करेंगे, वो भी 14 इंच की ही करेंगे। ऐसे हम पहले निशान लगाएंगे 14 इंच पे थोड़े गैप से, फिर हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। इसी तरह हम पूरे दुपट्टे में मार्किंग कर लेंगे 14 इंच की। ठीक है, अब हम इस पे लेस लगाएंगे, रिबिन। ये देखें, ये हमने पहले जो कोने की मार्किंग की थी उसके ऊपर हमने रिबिन स्टिच कर ली है। अब हम इस तरह से जो हमने ऊपर मार्किंग की थी 14 इंच की, अब हम उस पर लगाएंगे। अब हम इसी तरह से पूरे दुपट्टे पर लगा लेंगे। ठीक है, पूरे दुपट्टे पे इसी तरह से 14 इंच की मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, अब हमने ये पहले देखें उस तरफ के पल्लू पे मार्किंग की थी 14 इंच की, अब हम ये दूसरी तरफ मार्किंग करेंगे 14 इंच की। सेम वही प्रोसेस होगा हमारा, पहले यहाँ पे 14 इंच की मार्किंग करेंगे, फिर वहाँ पे फिर हम इस निशान को सीधा कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, ये लाइट कलर है इसीलिए इस पर मार्किंग वाज़ा नहीं हो रही है, लेकिन आप 14 इंच की अच्छे से चाक से भी मार्किंग कर सकते हैं। ये नेट का दुपट्टा है, इसके ऊपर भी हम वैसे ही 14 इंच की मार्किंग करेंगे, उसको निशान को भी सीधा कर देंगे। अब हम इस मार्किंग को सीधा कर लेंगे पूरे दुपट्टे पे वैसी मार्किंग करके, उन मार्किंग पे हम अच्छे से ये रिबन लगा लेंगे। अच्छा, ये रिबन मैंने पूरा रोल लिया था जो मुझे 15 रुपीज़ का पड़ा था। ठीक है, ये देखिए, हमने जो मार्किंग की थी अपने उसके हिसाब से हमने पूरे पे रिबन लगा लिए। अब हम इसके फ्लावर कटिंग करेंगे। ये भी हमारी नेट, ये कपड़ा भी हमारा नेट है। इसके ऊपर जो बच्चों के दूध के डब्बे का ढक्कन होता है, ये हम उसको रख के इसकी गोल शेप में कटिंग कर लेंगे इस नेट की। ठीक है, ये हमने बहुत सारे काट लेने जिसने हमें फ्लावर चाहिए। ये देखें, अब हम इसका फ्लावर बनाएंगे। ये देखें, एक सुई लेंगे सेम कलर का धागा, और उसको हम किनारे किनारे जितना हम सिलाई का मार्जिन लेते हैं हम उतने किनारे किनारे पे इसकी स्टिचिंग करेंगे, टांके लगाते जाएंगे। ठीक है, पूरे राउंड में हमने इसी तरह छोटे छोटे टांके लगा छोटी छोटी स्टिचिंग करते जाना है। जितना हम सिलाई का मार्जिन रखते हैं उतना हमें छोड़ देना है मार्जिन। ठीक है, अब हम ये पूरे राउंड में इसी तरह से सिलाई कर लेंगे, हैंड स्टिच कर लेंगे। ठीक है, अब हम इस जो हमने धागा है हमारा, इसको हम पकड़ के खींच लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमारी फ्लावर की शेप हो जाएगी। ये देखें, इसको अब हम अच्छे तरह से खींच के, ये देखें, ये हमारा फ्लावर बन गया। अच्छा, अब हम पीछे की तरफ से एक छोटा सा कट लगाएंगे। ठीक है, छोटा सा कट लगाएंगे इतना कि हमारा फ्लावर सीधा हो जाए। ये देखें, अब हम इस फ्लावर को सीधा कर लेंगे, जो हमारा मार्जिन था फ्लावर का वो, ताकि अंदर चला जाए और हमारा फ्लावर अच्छे से नीट दिखे। ये देखें, जो हमारा ऊपर आ जाए फैब्रिक, उसको हम फिर से अंदर कर देंगे और इस फ्लावर को अच्छे से सीधा कर लेंगे। धागे को टाइट ही रखना है। ये देखें, हमारा फ्लावर बन गया है। अब हम इसको अच्छे से पक्का कर देंगे सुई की मदद से, ताकि खुले नहीं, टाका लगा देंगे, हमारे फ्लावर तैयार है। ठीक है, इसी तरह हमने बहुत सारे फ्लावर बना लेने हैं। अब हम इसको हर बॉक्स के सेंटर में रख के इसको स्टिच कर देंगे एक पर्ल के साथ। ठीक है, ये देखें, इसको सेंटर में रखेंगे और हैंड स्टिच की मदद से सेम धागे से इसको, अच्छा, जो हमने ऊपर से धागा, हमने ऊपर से जो टांका लेना है वो बहुत छोटा सा लेना है, ताकि फ्लावर के ऊपर से दिखे नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, पूरा फ्लावर हम इसी तरह से टांक लेंगे अच्छे से। अब इसके सेंटर में से सुई निकाल के फिर एक मोती स्टिच कर देंगे। ये हमारा फ्लावर लग गया है, ये देखें। अब हम इसको नीचे से अच्छे से वो कर देंगे ताकि निकले नहीं।
ये हमारा फ्लावर लगे। इसी तरह हम पूरे दुपट्टे में फ्लावर लगा लेंगे हर बॉक्स में। देखें इस तरह से ये मैंने लगा लिए हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन अब ये दुपट्टा पूरा नहीं हुआ है। अब हम इसके किनारों पर ये चौड़ी रिबिन लगाएंगे। पहले जो हमने ली थी वो चौड़ी थी, पतली थी, अब हम जो है ये चौड़ी लेंगे, ठीक है। अच्छा, दुपट्टे को हमने उल्टा रखना है और रिबिन को सीधा रखना है, और तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको सिलाई लगानी है, ठीक है। दुपट्टा हमारा याद रहे उल्टा है, क्योंकि अब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड कर लेंगे। रिबिन को पूरे दुपट्टे में इसी तरह से लगानी है, जहाँ पे हमारा कॉर्नर आ जाए वहाँ पे भी सीधे बस लगाते चले जाना है, और सिलाई को उतार लेना है। ये देखें, अब इस रिबिन को हम सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे। सीधी तरफ देखें फोल्ड हो गई है, और अब हम जितना हमें सिलाई का मार्जिन लेना है उतने में रख के हम उसी तरह से जैसे हमने पहले रिबिन लगाई थी उसी तरह से हम फिर लगाते हुए चले जाएंगे। ये देखें, ये हमारा कॉर्नर बन गया है, ठीक है। जो पहले रिबिन लगाई थी उसको सीधी तरह फोल्ड कर देंगे, और फिर इसको इस तरह से वापस जितना हमने सिलाई का मार्जिन लेना है उसी तरह लगाते चले जाएंगे। ये हमारा ऑटोमेटिकली कॉर्नर बन गया है, ठीक है। अब तीनों कॉर्नर आपने इसी तरह बनाना है, और जो लास्ट वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, सेम इसके बराबर हमने कट कर लेनी है रिबिन, और इसको सीधे सिलाई लगाते हुए नीचे उतार लेनी है सिलाई, ठीक है। ये देखें, अब हम इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे, और इसको पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर ये इस तरह से रख देंगे। ये देखें, ये हमारा फिर नीट सा कॉर्नर बन गया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और सीधे लगाते चले, इससे नीचे आएंगे और फिर हम सीधे स्टिच करते चले जाएंगे इस तरह से। ये देखें, ये हमारी अब सीधी तरफ रिबिन आ गई है, और नीचे हमारी बिल्कुल नीट सा दुपट्टा नज़र आएगा, कोई नीचे कपड़ा वगैरह नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, कपड़ा हमारा रिबिन के अंदर हो गया। इसी तरह से ये कॉर्नर हमारे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे सारे। अब हम इसको थोड़ा सा ठीक करके और उस पर सिलाई चलाते चले जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये कॉर्नर पे इस तरह ले जाएंगे ये, और फिर इसको वापस लाएंगे और फिर सीधी सिलाई रिबिन पे लगाते चले जाएंगे। ये देखें इस तरह से, इसी तरह हमने पूरे दुपट्टे पे कर लेना है, ठीक है। ये हमारा दुपट्टा रेडी हो गया है। अब देखें, ये इसकी फाइनल लुक है। इसको अच्छे से मैंने आयरन कर लिया है। ये देखें बन के कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और लाइक करना मत भूलिएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।